एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं सीढ़ी में बैठी हूँ अपने गांव के घर में, और मेरे पीछे गुनगुन भी बैठी हुई है ऊपर। अभी आपको अपने गांव वाले घर का टूर देती हूँ, आपको बताती हूँ यहाँ क्या क्या है। और ये दूसरे गाँव के भी लोग आ रहे हैं। यहाँ एक गाँव है इधर की साइड, तो वहाँ से आ रखी हूँ। और ये बैठे हुए धूप में मैं आपको अब टूर देती हूँ, अपना होम टूर। पहले बाहर से दिखाती हूँ, ये हमारा घर, ये बीच वाला, यहाँ भी एक घर है, यहाँ भी, और ये वाला पोर्शन है। और इसमें दिखाती हूँ, गुनगुन उदास बैठी है। देखो यहाँ सेंटर है, ये हमारा एक रूम। ये पहले ना यहाँ मिट्टी का होता था ये फर्श, अभी हम लोगों ने इसमें थोड़ा सीमेंट वगैरह डलाई है तो अभी ये ठीक हो गया। और काफ़ी किया यहाँ, रेनोवेट किया भैया ने। ये हमारी किचन है, अभी ऐसी थोड़ा बिखरी हुई है, अभी एक दो दिन के लिए आए हम, तो यहाँ पे हम सामान कम लेके आए। गैस सिलेंडर, ये बर्तन अभी ब्रेकफास्ट किया उसके बाद धो के रखे हुए। और एक रूम अंदर है, अंदर का रूम थोड़ा लाइट करती हूँ मैं आपको, पहले लाइट जला के दिखाती हूँ यहाँ से। चलो आप देखो लाइट जल गई, देखो। और देखो पहले के छत कैसे होते थे, लकड़ी के बने हुए। ये देखो ऊपर भी दिखाऊंगी आपको, ऊपर वाले सेट में सामान रखा हुआ। ओह जैसे मैं आई लाइट चली गई, यहाँ लाइट बहुत जाती है। आपको ऊपर वाले पोर्शन पे ले जाते हैं। पहले की ये नक्काशी देखो कितनी खूबसूरत है, लकड़ियों पे इतना सुंदर डिजाइन किया हुआ। सीढ़ी है, ये चूल्हा बना रखा हमने। ये देखो फ्रेंड पहले की छत कैसे होती है, बहुत मजबूत है ये। ये देखो ये भी, यहाँ भी एक रूम। अभी अंधेरा है तो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको। ये हमारा बेड है, और ये हमने एक बिस्तर नीचे भी लगा रखा है। ये हमारा सामान है, अटैची वगैरह। तो अब ले जाते हैं आपको धार की तरफ। तो अभी हम घूमने जा रहे हैं, तो डोर क्लोज कर देती हूँ। ये जानवरों के लिए साइलेज बना हुआ है, और ये ना गर्मियों के काम आएगा, जब गर्मियों में घास कम हो जाता है। सामने जो दिख रहा है आपको सिरही गाँव है, गाँव का व्यू यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो फ्रेंड। और ये फ्रेंड हमारे घर के बगल में जो ये घर है, इसको ना अभी रेनोवेट किया। हमारा घर सबसे ऊपर है और यहाँ से गांव नीचे है। ये फ्रेंड गांव का रास्ता देखो, सामने का व्यू देखो, वो कितना खूबसूरत लग रहा। पुरानी नक्काशी। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हो? ये बेटी बैठी है, बंदर भगा रही है, लहसुन वगैरह की देखभाल कर रही है। गढ़वाल में ना इसको पलकू नहीं बोलते हैं, एक घास लगा रखा, सूखी घास। घास को ऐसे पेड़ों में ना स्टोर करके रखते हैं, बांध के, जब घास नहीं रहता फिर इसको देते हैं, धूप सेक रही अच्छे से। छन्नी बोलते हैं हम गढ़वाली में। और यहाँ ना गाय वगैरह को बांधते जानवर को। ये भी एक, और ये पत्थरों का दिख रहा है जिसमें हम चल रहे से चौक बोलते हैं, चौक। और यहाँ तो स्लैब जैसा रखा हुआ, ये शायद बकरियों का है, ये जानवरों को बांधने के लिए बना रखा है रस्सी से। ये जो रास्ता है और ये जो गेट दिख रहा, ये गांव का पंचायत भवन है, पंचायती भवन भलगांव का। अभी बंद है, ताला लगा हुआ। वॉशरूम भी निकाले हुए इधर। और यहाँ से दिखाते थोड़ा अंदर, ऑफिस से ही चेयर वगैरह रखी हुई। देखो हमने ना खेतों में पूरी बाड़ कर रखी, आपको दिखाएंगे अभी बाड़। और उसी में से तार अभी बच रखी। सामने जो आपको दिख रहे हैं ऊंचाई में, जहाँ चीड़ के पेड़ है, वो धार है, उसे हम धार बोलते हैं। अभी वहाँ जाते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ से व्यू। अभी मैं घर वापस जा रही, फ्रेंड में ये लेने आई थी वापस, बस अब चलती हूँ। भैया ने ना यहाँ बकरियाँ पाल रखी और थोड़ी बहुत खेती भी कर रखी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो वर्कर रखे उन्होंने खेत की देखभाल के लिए, बकरियों की देखभाल के लिए, उनके बच्चे हैं दो, तो उनके लिए ले जा रही हूँ। भूल गई थी मैं जल्दी में, तो अभी आई बस। मास्क भी लगा रखा मैंने, बट गाँव में इतना डर नहीं है, अभी कोई है ही नहीं, बहुत कम है हमारे भलगाँव में। भलगाँव है फ्रेंड हमारे गाँव का नाम, मैंने पहले भी आपको बताया होगा। अल्ली बाबा घास खा घास। उस घर में जाना है फ्रेंड जो आपको दिख रहा हो, गांव के रास्ते एक खेत से दूसरे खेत में जाने के। दीदी गई फार्म हाउस से ही हमारा, सही में फार्म हाउस से कम भी नहीं है। ये एंट्रेंस है हमारा फार्म हाउस का। गुनगुन देखो आपको कितने क्यूट पप्पी से मिलाएगी। अल्ले वाह, क्या इसका नाम? नहीं पता अभी, नाम नहीं ले चले से दे रहे थे। फ्रेंड ये छोटे पप्पी, इसको रखने के लिए देखो, सेफ के लिए, कितना क्यूट पप्पी है। और उसकी क्यूटनेस देखो, ये देखो मजे से मटर चुक के खा रहा। हेलो
हाँ जी इतना क्यूट है। गाजर खा रहे? गाजर सब कुछ खा रहे हो? गोभी गाजर वेजिटेरियन वेजिटेरियन पप्पी धूप सेक रहे। एक ये है और एक यहाँ पे सेक रहा है पत्थरों में मजे से। और फ्रेंड ये व्हाइट वाला ने सामने तक क्यूटी। और एक ये गुनगुन के गोद में। और एक ब्लैक है वो नीचे चला गया अभी। ये हमने हट बना रखी और इसके नीचे देखो चूल्हा। जितने भी वर्कर है यहाँ पे खाना बनाते हैं। इसमें बकरियां हैं फ्रेंड्स अभी चुगाने जा रखे। गोट बना रखा बकरियों का। ये बना रखा भैया ने तार बाड़ से। देखो यहाँ से व्यू देखो और एक बार कितना सुंदर है। सरसों के खेत है, जौ भी बो रखी। ये हमारा मिनी ट्रैक्टर अभी ढका रखा है इसको। इसी से हल लगाए इन खेतों में पूरा। जितने भी ये हरियाली दिख रही है ना ये सब भैया ने कर रखी है। देखो वहाँ नीचे आपको तार बाड़ दिख रही है पूरा, पूरे बांस के उधर से ये पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया कर रखा अभी। और इसमें जौ और सरसों बो रखी। अब गोट भी दिखाती हूँ आपको बकरियों का, बैल का, यहाँ रहने का। हाँ खोलो खोलो, नहीं लॉक नहीं रहता है, उठाना पड़ेगा। अच्छा बंधा हुआ है ऐसे? हाँ अरे वाह, अरे किचन ही तो ये वर्कर के रहने के लिए। देखो फ्रेंड ऊपर बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। घास फूस से बना रखा बहुत अच्छे से। इसमें बांस तार और घास फूस का ही काम कर रखा, बस सिर्फ तीन चीजों से बहुत बढ़िया बना रखा। ये किचन बना रखा। गोट उधर होगी फ्रेंड, अभी दिखाएंगे आपको। हम भी अभी फर्स्ट टाइम आए यहाँ देखने के लिए ना। गुनगुन तो बस अब इनके साथ ही रह गया ना। गुनगुन लो जी क्या कर रहे? धूप सेक रहे? मम्मी गए? मम्मी मम्मी क्या वहाँ? अच्छा उंगली से बता। ये क्या खोद रहे भैया? अच्छा टॉयलेट के लिए गड्ढा। अच्छा अच्छा बच्चा तो बिजी हो गया चिप्स खाने पे। बाय। हेलो ये कितना प्याला है, क्यूट पप्पी, कितने प्यारा है, ब्लैक कलर का कुट्टी कुट्टी। गुनगुन तो बहुत खुश है, मुझे बहुत बोलती थी पप्पी लो पप्पी लो, आज से पप्पी मिल गए। एक नहीं चार पांच पप्पी सा दिए हमने। आप जाओ जरा ये देखो फ्रेंड ब्लैक एंड व्हाइट। वाह कितनी जल्दी आए, कुछ नहीं बच्चा मेरे पास, वो एकदम से आए। हाँ जी ये देखो इसका फेस देखो कितना क्यूट है, तो बहुत सुंदर। देखो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। ये फ्रेंड बकरी और बैल के लिए गोट बना रखा। ईड के जो घास है पराल ये बिछा रखी। ये दो दो बेनिफिट है, एक तो ये गर्माहट भी देता है जानवरों को और दूसरा जब इसमें गोबर गौत वगैरह कर लेते हैं तो में डालते हैं तो खेत बहुत उपजाऊ होते हैं, फसल अच्छी होती है। छत भी बना रखी, बाहर भी बांधने के लिए बना रखा उनको धूप में रखने के लिए। धार से ऐसा व्यू और दूर दूर तक व्यू देखो फ्रेंड। आगे गुनगुन फ्रेंड ये जो चीड़ के पेड़ हैं और इसमें दिख रहा होगा आपको छूता लगा हुआ काला, मैं आपको दिखा, इसको ही भर के लाएंगे हम इसमें सूखे सूखे जो झड़े होंगे। और इससे ना बहुत अच्छी आग जलती है तो हम इसमें भर के लाएंगे और रात को आग सेकेंगे जब हमको ठंडा लगेगा। ये जो लगे हैं इनका बीज खाते हैं हम लोग, बहुत टेस्टी होता है, बहुत महंगा बिकता है। महंगा भी बिकता है दीदी बता रही। अभी देखो फ्रेंड दीदी आ रही है वहाँ भाग भाग के, ब्रेक 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 ब्रेक। इसको बोलते हैं छूता, ये जो मेरे हाथ में, और इसमें बीज लगते पर अभी नहीं है इसमें बीज, तो इन्हें भरते हैं। इन पे ना कलर करके डेकोरेट करते हैं तो 100 पीस बन जाते हैं। फुल भर के ले जाना है, हम यही लेने आए थे इधर। और आपको एक व्यू दिखाने भी, कहाँ जा रखे हैं ये देखो इस छूते को चुगने। और इतना सुंदर व्यू है, ये ऊपर धार का व्यू खूबसूरत लग रहा है ना, चीड़ के पेड़ों का व्यू। फ्रेंड वीडियो में तो इतना पता नहीं चल रहा होगा, चुरल इतना सुंदर लग रहा है, ये बहुत सुंदर। आपको वहां जाके दिखाते हैं, नीचे उतरते हैं धीरे धीरे। सिर्फ मुझे यहाँ थोड़ा नीचे जानवरों का डर लग रहा है, बाकी तो अच्छा लग रहा है। अभी कैच करूंगी मैं ये आ गया हट्टे कर लिए। अब हम दूसरा थैला लेके जाते हैं। पासिंग चल रही है फ्रेंड छूते की, ये और फिर थैले में रख रहे। वाह ऊपर उछाल के ताकि ताई जी के मुंह पे ना आए। ऊपर दो ऊंची ऊंची दो ऊंची। ओ आ क्या ऊंची दिया गुनगुन ने, कितना ऊंचा दिया कि नीचे आ गया। खतरनाक जगह ले जा रहे यार, नहीं चप्पल है और तो कुछ नहीं, गुन्नू की। काम कर सुन मुझे अपनी चप्पल दे दे। नहीं नहीं घर में कुछ नहीं होता, वो संभल भी जाएगी और तुम अगर गिरे ना मैं तो गोल करके लेकिन मुझे आती है निंजा टेक्निक, मैं पत्थर पकड़ लूंगी पेड़ पकड़ लूंगी। डिस्कवरी चैनल दिखा रहे फ्रेंड हम आपको मैन वर्सेस वाइल्ड। कौन आता है उसमें? मतलब बेयर ग्रिल्स।
बहुत अच्छा लग रहा हमको यहाँ पर आकर, बहुत ही अच्छा। चारों तरफ चीड़ी चीड़ के पेड़ है तो बहुत अच्छा लग रहा, और आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। इसको भी आधा भर लिया अभी और भरेंगे। मेरे कपड़े देखो फ्रेंड, पेड़ पकड़े होंगे तुमने? पेड़, हाँ पेड़ पकड़ा। हाँ, पेड़ से होता है फ्रेंड। इस पेड़ से हमारे कपड़े भी खराब हो गए। अपने हाथ दिखाओ, ये देखो दीदी के हाथ, मेरे भी हाथ। चलो कोई बात नहीं, गुना अब हमको रास्ता बता रही है। इतना पहुंचे, कितनी गहराई है, खाई जैसा है पूरा। ये जो घास है चीड़ के पेड़ की, ये बहुत स्लिप होती है तो हमें संभल संभल के जाना पड़ रहा। पैर फिसला तो सीधा नीचे जाके रुकेंगे, बहुत टाइम लगेगा चढ़ने में। दोनों दोनों डिस्कस कर रहे कोई बीज है कि उसको खाना है कि नहीं खाना। मैं इनकी बना रही हूँ वीडियो और ये मेरी बना रही है। किधर से गया आप? इधर से। पेड़ ही छोटे छोटे, बस यहीं तक जाते हैं। आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। ओ नो नो नो, नहीं अभी मैं आपके ऊपर ही आती सीधा। गुनगुनी निकली है एडवेंचर पर फुल। ओ हो, ये बाप रे, हम घास में स्लाइड करके आ रहे पर कपड़े बुरी तरह से। अब ताई जी स्लाइड करती हूँ, रुक जाओ भाभी। वहाँ तक है हमारी डेस्टिनेशन, जहाँ पर खड़े हैं वो, वहीं तक जाना हमको। नीचे साल के पेड़ हैं छोटे छोटे और ऊपर चीड़ के पेड़ है देखो, और घास भी बहुत है, गाय के लिए बहुत अच्छी घास है। वो दिख रही है चढ़ाई, इससे भी डबल चढ़ाई अभी हमें चढ़नी है। ट्रैकिंग हो रही है फ्रेंड यहाँ पर, चढ़ना फिर भी आसान है रियली। उसमें तो हम स्लिप हो रहे थे ना। हाँ यार, अभी तो सब याद आ रहे नानी दादी। एक बात है, पैर दुख रहे अब चढ़ने में, उतरने में नहीं दुख रहे थे। ये सब आप आ रहे, मैंने इनको छोड़ दिया पीछे, वहाँ पे बैठ जाती हूँ, इनका वेट करती हूँ। तो फटाफट चल लो। वो आ रहे फ्रेंड, कितनी दूर छोड़ दिया मैंने उन्हें, सांस फूल गई। वो जो चढ़ाई देख रहे फ्रेंड आप, वो चढ़नी है अभी, आधी चढ़ी अभी हमने। अब थोड़ा हम रेस्ट करेंगे। ऊपर से पत्थर आ रहे, कोई हमको मंकी समझ रहा। बंद हो गए पत्थर, चलो। वहां देखो कैचिंग चल रही, छूते कैच कैच। तब तक मैं इसको ले आती हूँ। ये फ्रेंड हमारा बैग, इसको ले जाते हैं, खींच के ले जाते हैं, बहुत भारी है। गुनगुन हुडी डाल लेते बेटे, ठंडा है, हवा आ रही है। अभी भी डाल सिर में, बस हमने ये भर तो लिए, पर अब इनको इतना भारी हो रहा है, इसको ले जाना चैलेंज है। उस धार से आए थे हम, जो एंड दिख रहा, आधी चढ़ाई चढ़ ली हमने, ऊपर तक जाना जहाँ तक चीड़ के पेड़ है उसका भी एंड। असली पहाड़ी देखो, असली पहाड़ी सबसे भारी। बहुत थक गई यहाँ पर और सबसे ज्यादा प्यास लग गई। मुझे तो पहले से लगी थी। हाँ, गुनगुन को पहले से लगी थी, और दीदी भी आ गई, थक गए, विश्राम की मुद्रा में लेट गए। अर्गत के पेड़ तक पहुंचना है हमने, उसके बाद तो सीधा सीधा है। और देखो कितनी चढ़ाई आए हम, यहाँ से तो अभी कम दिख रहा, बहुत नीचे थे हम। दूसरी गाड़ी भी आ गई यहाँ पे, भैया जा रखे थे मार्केट। ये देखो हम दो दो करके ला रहे, छूते छू घास है फ्रेंड। इससे खिचड़ी भी बनाते हैं और साग भी बनता है, पराठे भी बनते हैं, और ये बहुत खतरनाक घास है। इससे हर्बल चाय भी बनती है फ्रेंड, मुझे भी पता चला। और ये जब लगती है ना तो पूरा एक दिन तक खतरनाक दर्द होता है। हमारे स्वागत में खड़े हैं ये सुखा रहे ने? यहीं पे सुखाना है। अच्छा, मुझे बैठ के धूप सेक रही हमारी ये दीदी। फूफू गए तो थे आप, किधर गए थे? अच्छा नीचे। अच्छा अब लंच बनाएंगे, थोड़ा रेस्ट करते हैं, प्याज वगैरह काट लेते हैं और फिर चढ़ाएंगे दाल और चावल। फूफू जी धूप सेक रहे और यहाँ पर भैया लोग अंगीठी बना रहे हैं, उस पर बाल्टी पे छेद करके उस पर हैंडल लगा रहे बना रहे। और लंच में बनाया हमने अरहर मलका की दाल और सब्जी है। पर अभी मैंने बर्तन धो के रख दिए, यहाँ पर हमने बाल्टी की अंगीठी बना रखी, ये देखो।
और जो हम ये छूते लाए थे इससे हम आग जला रहे, काफ़ी अच्छी आग जलती है। और इसके ऊपर हमने गर्म पानी करने के लिए रखा हुआ है, हाथ मुंह धोने या बर्तन धोने के लिए। यहाँ पे आप ठंडी हवा चलने लगी, किसी का मकान बन रहा है ये डबल स्टोरी, और अभी काम कर रहे हैं वहाँ। तो होम स्टे में चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं कैसा है। लकड़ियाँ रखी हुई है, जिन्होंने होम स्टे बनाया वो अभी है नहीं यहाँ पे। देखो दो चेयर लगा रखी यहाँ पे और एक सिंगल बेड। यहाँ से आप अच्छा व्यू चेक कर सकते हैं फ्रेंड, सामने का पीसफुल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शांति शांति है। सपोर्ट के लिए क्या लगा रखी लकड़ियाँ, इसके ऊपर टिन शेड है और लकड़ियों से बना रखा बहुत प्यारा, और नीचे भी लकड़ी के फट्टे लगा रखे और काफ़ी अच्छा बना रखा। आटा चक्की बोलते हैं, पहले आटा चक्की ऐसे होते थे पुराने टाइम में जब हम छोटे थे, तो मैंने भी इसमें आटा पीस रखा, मतलब कि गेहूँ। यहाँ से हमको गेहूँ डालने होते हैं और ये दोनों जॉइंट होते हैं एक साथ, और यहाँ पे जो ये छोटा सा होल दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक डंडी सी होती है, बस उसको घुमाते जाते हैं, ऐसे घुमाते जाते हैं उसको पकड़ के, और गेहूँ पीस जाता है, अच्छा सा आटा निकलता है, साइड से निकलता है यहाँ से, इन दोनों के जॉइंट से आटा चक्की है ये। गढ़वाली में तो इसे जंदरा बोलते हैं। तो खुशबू ने बाल्टी लेने की और अब हम आग सेकेंगे, यहाँ पे ना काफी ठंडा हो गया, रूम गर्म करेंगे अपना। ब्लैकी, ब्लैकी सही है इसका नाम, ब्लैक ए ब्लैकी तो वो है, वो आ गया देखो वो बोल रहा मैं हूँ ब्लैकी। चलो आ गई अब आग, नहीं लड़ते गए, देखो अब देखो दोनों। ओ काटे इसने इसको। भलगांव में आम के पेड़ भी होते हैं, क्योंकि ज्यादा हाइट पे नहीं है ना ये पहाड़। ये घर देखो फ्रेंड, घास के कांटे लग गए तो फिर चेंज कर दिया हमने, और ये मस्त आग जल रही है। फोन का क्रेज देखो, चार्जिंग पे भी चल रहा फोन। एम्बर वन स्टार होगी ना, चुप हो जाओ। तो चलो अब मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ।